वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का मंथली एनालिसिस करेंगे एंड इसके अलावा कल आप इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, मंडे को ट्रेड का लॉजिक क्या है, सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको हर एक चीज डिटेल में समझ आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। एंड बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इस मंथ में काफ़ी अच्छी मार्केट ने तेजी दिखाई, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ने टच किया और वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आया है और नीचे में कहीं बॉटम पर आकर ही मार्केट ने क्लोज किया। तो अभी ओवरऑल अगर मैं कैंडल स्टिक की बात करूँ तो डेफिनेटली एक शूटिंग स्टार कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी हम सिंपली चीज़ों को देखो तो यहाँ से एक शानदार तेजी हुई, ऑल टाइम हाई बनाया, अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक बड़ी रेंज में मार्केट 2-3 हज़ार की पॉइंट की रेंज में बस थोड़ा ऊपर नीचे या इस तरीके से परफॉर्म करने की मार्केट जो है कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब हो सकता है इस मंथ में फिर से एक थोड़ा सा रेड कैंडल बने, फिर हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बने, इस तरीके से थोड़ा सा मार्केट अभी वॉलेटाइल रहने वाला है। मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है जो कि अभी बढ़ती हुई आपको नजर भी आ रही है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल्स कौन से हो जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मंथ का अगर लो ये ब्रेक करता है जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास का लगाया है, इसके थोड़ा सा नीचे होगा बस ये इस मंथ का लो अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे हमको डेफिनेटली एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके नीचे एक शार्प सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, तो यहाँ पर हम बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक थोड़ा बहुत सेलिंग आएगी, लेकिन मार्केट देख सकते हो क्योंकि ये सपोर्ट एरिया हमको क्लियर कट दिख रहा था जो कि मैंने आपको बताया था 44,000 का लेवल है, इसके नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी हमको एक बड़ी गिरावट अब देखने को मिलने वाली। बाकी अदरवाइज मार्केट में ये दिख सकते हो और एक साइड एक यहाँ पर सपोर्ट एरिया, उसी के आसपास मार्केट अभी टाइम पास कर रहा है। तो मेजरली अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ वो ब्रेकडाउन कहाँ पर होने वाला है, बड़ा जो ब्रेकडाउन होगा वो इस तरीके का एक एम पैटर्न हमको वीकली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकडाउन समवेयर अराउंड इस लेवल पे मार्केट यहाँ पर देखने दिखाएगा आपको, तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत नीचे आएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद ये ब्रेकडाउन होगा तभी ये सक्सेसफुल होने वाला है। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर स्लो एंड स्टी ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आए ऊपर जाएगा, इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर ये एक वॉलेटाइल रेंज में टाइम पास कर सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं मार्केट को किस तरीके से बिहेव कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में देखोगे तो मार्केट कहीं नहीं गया, बेसिकली एक छोटी सी रेंज में ही मार्केट ने पूरा हफ्ता यहाँ पर निकाला है। ठीक है, मार्केट को गिरने में सिर्फ 2 दिन या 3 दिन, मार्केट ओब्वियसली 2 दिन ही लगे थे मार्केट को, मेजर जो गिरावट हुई थी 2 दिन में ही 2-2.5 हज़ार पॉइंट की जो गिरावट होनी थी वो हो गई थी, उसके बाद मार्केट देखोगे तो कहीं पर नहीं गया है। लास्ट इन 2 दिनों में जो बड़ी गिरावट हुई थी उस क्लोजिंग प्राइस के आसपास देखोगे तो अभी एग्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है इस हफ्ते। तो यानी कि पूरे हफ्ते में एक्चुअली मार्केट में देखे तो मार्केट कहीं नहीं गया है, सिर्फ एक रेंज बाउंड एक वॉलेटाइल मार्केट ही बनकर रहा है और उसी के बीच में ट्रेड किया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट यहाँ पर अब डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है क्योंकि इतनी अगर फास्ट गिरावट हुई तो शार्प रिकवरी थोड़ा सा मुश्किल दिखती है, बट यहाँ पर अब मार्केट देख सकते हो एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। ये चीज़ मैंने लास्ट हफ्ते बताई थी जब ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी उस टाइम पे। ठीक है, और उसी तरीके से मार्केट देख सकते हो एक रेंज बाउंड ही रहा है, एक रेंज में ही मार्केट ने ट्रेड किया। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से आप अगले ट्रेड को प्लान कर सकते हो या फिर नेक्स्ट वीक मार्केट का कैसा बिहेव हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली हमने जो इस हफ्ते का जो हाई एंड लो मार्क कर लेना है, लगभग ये हाई होगा और ये लो हमको दिख रहा है। ठीक है, जब इसके ऊपर जब निकलना स्टार्ट करेगा तब एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तभी एक गिरावट आएगी। बाकी बीच में जब तक है मार्केट में आपको नॉन डायरेक्शनल चलना है, यानी कि मार्केट का एग्जैक्टली डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके से ही मार्केट इस रेंज में चलने वाला है। तो इस रेंज में आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मेजर कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, बट आपके इंट्राडे में डेफिनेटली आपको स्विंग्स जरूर मिलते जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम 15 मिनट पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं चीज़ों को कि आप मंडे को इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट जो है अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए आप देखोगे मार्केट ऊपर जाता है फिर गिरावट हो जाती है, फिर ऊपर जाता है फिर गिरावट होती है, साइडवेज होता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब मार्केट में भी ये डिसाइड नहीं है इसको कंटिन्यूसली गिरते ही रहना है या फिर यहाँ से एक फास्ट रिकवरी करनी है, तो ऑब्वियसली मार्केट एक रेंज बस ऊपर नीचे चल रहा है, तो डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हो, बस क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि इस टाइप के मार्केट में जनरली थोड़ा सा वॉलीटिलिटी भी इंक्रीज होती है और थोड़ा सा गिरता हुआ मार्केट हमको दिखा है तो उसकी वजह से आपके प्रीमियम भी थोड़े से बढ़ते हुए आप लोगों ने नोटिस किए होंगे। ठीक है, चलिए आप लेवल्स वाइज कैसे ट्रेड कर सकते हो मंडे को वो हम समझ लेते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको बताकर गया था, जब मैंने एनालिसिस किया था तो सिंपली हमने प्लान किया था कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर लगभग 6 44,000
400 के ऊपर इस तरीके से निकलेगा तब हम बाय के लिए ब्रेकआउट और बाय के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पर समवेयर अराउंड में कुछ बता के गया था और ब्रेकआउट हुआ, गैप अप भी मार्केट ओपन हुआ और वन वे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकल गया और काफी अच्छे आपका जो ऑलमोस्ट ये वाला टारगेट था 44,750 के आसपास, ये जो टारगेट मैं आपको बता के गया था ये टारगेट आपका अचीव हुआ था। ठीक है, चलिए अभी हम बात करें कि इसको आप मंडे को किस तरीके से ट्रेड प्लान करोगे। देखो मेजरली जो लेवल है यहाँ पर ये इस तरीके से एक ब्रेकआउट एरिया के आसपास मार्केट ने यहाँ पर अभी ट्रेड किया है। ठीक है, मतलब ओवरऑल ब्रेकआउट ब्रेकआउट लेने की मार्केट ने कोशिश की है, तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रेंज इस तरीके से हो सकती है। तो सिंपली अगर मार्केट बाय एनी चांस गैप अप ओपन हो जाता है लगभग 700 के आसपास, ठीक है 44,700 के आसपास जो क्लोजिंग प्राइस है, थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर अगर टाइम पास करके ये ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ से अगर डायरेक्टली इस लेवल से ही डे का हाई ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्रेकआउट पर हम इस लेवल पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ और डायरेक्टली इसको ब्रेक करा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जितने लोग सेलर होंगे, क्योंकि पिछली बार भी मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो डेफिनेटली यहाँ से एक मोमेंटम जरूर आ सकता है। तो सिंपली हम 750 के ब्रेकआउट पर बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 800 का लेवल यहाँ पर राउंड लेवल नंबर है, तो हो सकता है आप 800 के ब्रेकआउट पर बाय के लिए प्लान करो। ठीक है, मेजर टारगेट आपको क्या लेके चलना है, एक 900 का लेवल दिख रहा है और एक 45,000 का आपको टारगेट दिख रहा है, तो मेजर टारगेट आपका 45,000 के आसपास रहने वाला है। अगर थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, एक फास्ट मोमेंटम मिलता है, तो आपको 40,000 तक मार्केट टच करता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सिंपली 45,000 के आसपास का मेजर टारगेट लेके चलेंगे, बीच में 900 है राउंड लेवल नंबर है, तो ये भी आपका एक टारगेट पॉइंट ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। सेलिंग साइड बात करूं, मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलता, यानी कि अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है और यहाँ पर अगर टाइम पास करने के बाद ये ब्रेकडाउन दे रहा है इसके नीचे 44,500 के नीचे, देखो सपोर्ट कौन सा है, 500 का लेवल एक सपोर्ट एरिया, जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तक वो पॉजिटिव सिनारियों में या फिर यहाँ पर एक वॉलेटाइल और साइडवेज रेंज में रहने की कोशिश करेगा, मतलब फास्ट गिरने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर 500 का लेवल क्रॉस करके नीचे जा रहा है तब जाके थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकती है, तो उसमें आपका टारगेट रहेगा 400 का लेवल और मेजर टारगेट आपका रहने वाला है 300 to 250 का, एक मेजर टारगेट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आए, फिर उसके बाद हो सकता है फिर से ऊपर की तरफ जाए या फिर यहाँ पर टाइम पास करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो ये लेवल थोड़े से इंपॉर्टेंट रहने वाले। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है किस तरीके से ट्रेड करना है एंड कौन सा टारगेट पॉइंट है वो भी आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अभी हम सेम चीज बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में बात कर लेते हैं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देख लेते हैं। जैसा कि बैंक निफ्टी में दिख रहा है, जो मैंने बैंक निफ्टी में समझाया सेम बेसिक वैसी कैंडल देखने को मिल रही है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर इस मंथ का लो अगर ब्रेक होगा तो डेफिनेटली यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। अदरवाइज हम चीज़ों को थोड़ा सा अगर समझे सिंपली, तो मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट को सिंपली अभी साइडवेज होने, मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल रहने वाला है, यानी कि नॉन डायरेक्शन में चलेगा, अचानक से बड़ी गिरावट नहीं आएगी, यानी कि इस तरीके से मार्केट चल सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरली इसी तरीके से मार्केट चलता है, तो इस तरीके से अगर चलता है तो यहाँ पर हो सकता है एक रेड कैंडल बने फिर ग्रीन में, इस तरीके से चल सकता है। बट हमको छोटे टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना है और वीकली टाइम फ्रेम पर वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस हफ्ते देखें तो बिल्कुल ही एक साइडवेज कैंडल हमको देखने को मिली, एक छोटी सी कैंडल हमको बनती हुई नजर आई है। ठीक है, तो इस हफ्ते का अगर मान लीजिए हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक मोमेंटम आ सकता है, बाकी अगर लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये एक सपोर्ट एरिया है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकल रहा है 19,500 के नीचे एक राउंड लेवल नंबर है यहाँ पर, तो 900 हो गया 500 हो गया, ये 400 का लेवल है, तो ये लेवल जब ब्रेक करेगा तभी एक नीचे बड़ा मोमेंटम आ सकता है, बाकी उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल टू साइडवेज है, अभी धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके से बिहेव किया है। पूरा हफ्ता मार्केट ने यहाँ पर टाइम पास किया, कुछ भी कहीं पर डायरेक्शन नहीं दिया मार्केट, सिर्फ विदाउट डायरेक्शन ही मार्केट ने ट्रेड किया पूरे हफ्ते में। ठीक है, चलिए 15 मिनट पर हम चीज़ों को सिंपली समझ लेते हैं कि मार्केट ने एक एंड ऑफ द डे यानी कि लास्ट डे आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट लेने की मार्केट ने यहाँ पर कोशिश करी है। ठीक है, जो कि मैं आपको एनालिसिस उससे पहले वाले एनालिसिस में बता के गया था कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक मेजर ब्रेकआउट होने वाला है और उसी का यहाँ पर लास्ट डे यहाँ पर एक ब्रेकआउट मार्केट ने लिया, फिर स्लॉन्च के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। एंड ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता के गया था कि ऊपर मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे ही जाएगा, तो ऊपर जाता है तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि वॉलीटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी कम रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, चलिए अभी हम प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक मेजर हमको सपोर्ट एरिया दिख रहा है ये वाला एरिया, क्योंकि यहीं से मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया है, ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट देख सकते हो इस स्विंग के यहाँ पर आकर ही क्लोज किया है, तो हम सिंपली प्लान करेंगे। दो स्विंग हमको यहाँ पर दिख रही है, एक यहाँ पर, इस रेंज के बीच में ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं, तो आपको ध्यान के रखना है कि यहाँ पर अगर इस सपोर्ट एरिया के आसपास आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसको होल्ड करा है इस लेवल को 19,760 के ऊपर, ठीक है 760 to 800 का ये एरिया हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से बाइक के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर 60 का लेवल होल्ड नहीं करता है। ठीक है,
अगर ये 60 का लेवल होल्ड नहीं करता, इसको ब्रेक करके निकल रहा है, तो इसके नीचे हम सिंपली सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे में टारगेट रहेगा 700 का लेवल, एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डे का लो के आसपास हमको देखने को मिलेगा। तो 700 का लेवल होल्ड नहीं करेगा देन आपको 60 का लेवल आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, 660 टू 650 का लेवल, एंड बाकी मेजर टारगेट नीचे में 600 रहने वाला है। ये कुछ लेवल्स आपको मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। ये पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये लेवल डिसाइड करेगा इसके यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 800 टू 760 की रेंज, ठीक है। बाकी ऊपर में अगर बाई चांस मार्केट गैप अप ओपन हो जा रहा है सिंपली, अगर इस रेंज में यहाँ का ही ओपन होता है देन उसके बाद 880 का लेवल ये ब्रेक करता है डे का है, तो सिंपली इसके ब्रेकआउट पर भी हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 930 के आसपास, बाकी मेजर टारगेट 20,000 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेंगे निफ्टी का, एक बार मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं क्योंकि ये मंथ क्लोज हुआ इसकी वजह से हम मंथली एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम मंथ टाइम ओके चलिए ये देख सकते हो, इस मंथ में देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेजी भी हमको देखने को मिली, गिरावट भी हुई, एंड दोबारा मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवर करने की भी कोशिश की। तो इस मंथ में मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई से टॉप लेवल से हमको एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिली और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवर भी यहाँ पर किया है। तो अब ओवरऑल मार्केट हम देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, इस बीच में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है और थोड़ा सा नॉन डायरेक्शन चलने वाला है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। आने वाले टाइम पर अगर फिर से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक मोमेंटम होगा। अब थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है मार्केट को फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक करना, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट फर्स्ट अटैम्प यहाँ पर ट्राई किया, दोबारा यहाँ से नीचे आया, फिर दोबारा इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। तो अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो समय लगेगा इसको होल्ड करने में, हो सकता है एक मंथ यहाँ पर बीच में इस तरीके की कैंडल बनाए और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में इस तरीके का एक बड़ा ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई पर दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सेलिंग के लिए अभी थोड़ा सा हमको यहाँ पर एरिया दिख रहा है, काफी अच्छा सपोर्ट एरिया ये दिख रहा है। तो 19,200 के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक मेजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा वोलेटाइल अब हो सकता है मार्केट, ठीक है। चलिए अभी अभी हम इसको देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार चीजों को देख लेते हैं। तो सिंपली देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो स्विंग मिल चुके हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो ये एक सपोर्ट एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया। तो अब इस रेंज के बीच में ही मार्केट ज़्यादातर टाइम यानी कि आने वाले कुछ हफ्ते यहाँ पर इस रेंज में ही मार्केट जो है ट्रेड कर सकता है, ठीक है। अब ये अगर लेवल ब्रेक होता है तब हमको एक शार्प सेलिंग जरूर देखने को मिलने वाली है, उससे पहले हमको शार्प सेलिंग नहीं देखने को मिलने वाली है, उसके बीच में मार्केट छोटी छोटी ग्रीन रेड कैंडल बनाकर बना सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम देखें हफ्ते वाइज, तो इस हफ्ते मार्केट ने एक छोटी सी डोजी कैंडल बनाई है, तो इस हफ्ते का हाई अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करेगा मार्केट, अदरवाइज लो ब्रेक करता है तो यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग हमको यहाँ तक देखने को मिल सकती है, बाकी मेजर गिरावट तो यही है, ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर और समझ लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं चीज़ों को, आप मंडे को किस तरीके से ट्रेड करोगे वो चीज़ भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश किया, जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम बता के गया था कि मार्केट में यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत बड़ी ये रेड कैंडल बनी है, मार्केट अगर मार्केट को घिरना है तो वो गैप डाउन या साइडवेज ओपन होगा तभी मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी नेक्स्ट डे फ्राइडे को, ये चीज़ मैं आपको बता कर गया था, ठीक है। और जैसा कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और उसके ब्रेकडाउन नहीं दिया, जैसा कि देख सकते हो मार्केट गैप अप हो गया और यहीं पर एक इनसाइड कैंडल बनाकर क्लोज किया, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर मार्केट गैप अप हो जाएगा तो एक इनसाइड कैंडल बनाकर ही मार्केट जो है क्लोज करने वाला है, ठीक है। अब इनसाइड कैंडल का जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ मार्केट में एक मोमेंटम हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो सिंपली मेजरली आपको ध्यान क्या रखना है, जो लास्ट कैंडल बनी है उसका डे का हाई एंड डे का लो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डेली टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको समझना क्या है कि अगर मार्केट जो है सिंपली कल के दिन में अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर क्लोज किया है 640 के आसपास हमको दिख रही क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए डे के हाई के आसपास कहीं पर ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट जो है यहाँ का ही ओपन होता है गैप अप और उसके बाद अगर डायरेक्टली डे का हाई ये ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली हम इस जो डे का हाई है इसी के ब्रेकआउट पर हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पर 19,272 के ऊपर, ठीक है। 19,727 या 30 जो भी इसने हाई लगाया इसके ब्रेकआउट पर हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी बीच प्रीवियस डे का जो हाई है ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जरूर काम करेगा, बाकी मेजर टारगेट उसके बाद आपका 800 के आसपास रहने वाला है, सेकंड टारगेट 850 के आसपास रहने वाला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सेलिंग साइड बात करूँ कि मार्केट ये जो लेवल है अगर बाय एंड चांस मार्केट यहाँ का ही ओपन होता है क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही, तो फिर आपको एक लेवल डिसाइड ये लेवल डिसाइड करेगा 600 का लेवल कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर बाय एंड चांस 600 के यहाँ का ही ओपन होता है 600 के नीचे निकल जाता है तो इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा बीच में ऑब्वियसली जो डे का लो है लगभग
19,550 के आसपास ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। बाकी मेजर टारगेट 500 क्योंकि ग्राउंड लेवल नंबर है, तो ये आपका टारगेट रहेगा। 500 का लेवल हो नहीं करेगा देन 440 का टारगेट आपका नेक्स्ट रहने वाला है। ठीक है, लेवल कौन सा डिसाइड करेगा, 600 का लेवल है, ध्यान रखना। इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो में, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तभी नेगेटिव होगा, अदरवाइज मार्केट में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि सारे लेवल्स क्लियर है, कौन से लेवल पर आपको क्या करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, एंड जिन दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हमारा, तो आप लोगों के लिए फ्री में मैंने आपको लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जहाँ पर लाइव मार्केट के दौरान कोई भी ट्रेड होता है, कुछ भी चीज़ें होती है लर्निंग के लिए, आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो जिन दोस्तों ने नहीं ज्वाइन किया, आप सिंपली जाके सर्च करें ट्रेडिंग हाइस्ट ऑफिशियल, ट्रेडिंग हाइस्ट ऑफिशियल सर्च करें, आपको मिल जाएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।